नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज पीर का दिन और 24 फरवरी इस पर साबिक हम आपके पास एक अहम खबर लाए हैं। नाज़रीन, हुकूमत सिंध ने जो रिटायर्ड सरकारी मुलाज़मीन हैं उनके लिए एक जो है वो पेंशन एक रियायत देने का जो है वो फैसला किया हुआ है, उस पर अमल दरामद भी हो रहा है। वो ये है कि जब किसी रिटायर्ड सरकारी मुलाज़िम की उम्र 85 साल होगी तो उसको जो उसकी मुकम्मल तनख्वाह थी वो उसके बराबर उसको पेंशन दी जाएगी और उसको 10% खसूसी अलाउंस भी दिया जाएगा। नागरिक इस जो है वो फैसले पर अमल भी हो रहा है और इस ज़मीन में तमाम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसरान हिदायत भी कर दी गई हैं। लेकिन अब जो है वो सूबाई मोहतसब आला असद अशरफ मलिक, जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसर थे, पिछले 15 साल से वो सूबाई मोहतसब आला बने हुए हैं। हालांकि कानून के मुताबिक एक ही मरतबा 4 साल के लिए कोई भी जो है वो ग्रेड 22 या 21 के मसावी जो अफसर होगा वो मोहतसब आला बन सकेगा। पहले तो ये रिटायर जो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जजों को बनाया जाता था, लेकिन ये परवेज मुशर्रफ दौर में तरमीम करके उसमें पुलिस अफसरान, रिटायर्ड पुलिस अफसरान और रिटायर्ड सिविल अफसरान को भी शामिल किया गया। उसके बाद मुसलसल असद अशरफ मलिक सिंध असम्बली से एक साबिक गवर्नर इशरत रिबात के ज़रिए एक तरमीम लाकर उसके बाद ये लगता यही है कि वो तहयात मोहतसब आला रहेंगे। उन्होंने हुकूमत सिंध को एक ख़त इरसाल किया है, उसमें कहा गया कि 85 साल के बजाय 75 साल उम्र में मुकम्मल जो असल तनख्वाह है उसके बराबर जो है वो पेंशन दी जाए और जो 10% खसूसी अलाउंस है वो बढ़ाकर 25% किया जाए। गो के उन्हें इस तजवीज़ देने का या उन्हें हुकूमत सिंध को इस तरह मशवरा देने का कोई आइनी या कानूनी अख्तियार नहीं है, लेकिन जिस तरह वो 15 साल से आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा कर सूबाई मोहतसब आला बने बैठे हैं, इस तरह उन्होंने उसी कानून को रोंदते हुए उन्होंने इस तरह का खत लिखा है। लेकिन हुकूमत सिंध ने उसके खत को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, बिल्कुल जैसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए, क्योंकि हुकूमत सिंह का एक पॉलिसी के साथ फैसला था जिससे एक जो रिटायर्ड अफसर है जो 15 साल से एक पोस्ट पर विराजमान है उसकी जो है तजवीज़ पर उसको किस तरह अमल किया जाए, तो हुकूमत सिंह ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और मुतलक हुकाम को हिदायत की है कि जैसे ये खत है इसको दाखिल दफ्तर कर दिया जाए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की ब्रेकिंग न्यूज़। हम आपसे एक बार फिर गुजारिश करते हैं कि बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबसे पहले आपको खबर मिल सके। शुक्रिया।